हेलो स्टूडेंट, अभी एनक्यू चल रहा है। अब एनक्यू का क्वेश्चन नंबर 66 है और पार्ट आपका 47 है। चलिए सर इसको स्टार्ट करते हैं। गिविन बिलो ए गिविन बिलो is the receipt and payment account from the following cash transaction from the following कैश ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बॉयज क्लब रिलेटिंग टू बॉयज क्लब बॉयज क्लब बॉयज क्लब ग्रीन पार्क ग्रीन पार्क प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द रिलेटेड प्रिपेयर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020. And balance sheet as on date. And balance sheet as on that date. Receipts amount rupees payment amount rupees dr cr to cash in hand and 1/1/2020 9,800 to substitution to subscription 1,4,200 include 1,600 for 2021 to
डोनेशन करता है तो डोनेशन तो प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी स्टोर प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी चैरिटी स्टोर चैरिटी स्टोर 32,400 सेल ऑफ फर्नीचर टू सेल ऑफ फर्नीचर सेल ऑफ फर्नीचर 3,200 बुक वैल्यू 8,000 लाइफ मेंबरशिप फीस टू लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000 इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बाय बिल्डिंग परचेज सिक्सटी थाउजेंड बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10,000 बाय बैलेंस सीडी 24,260
11/1/2020 the color on building the color on building the color on building valued at ₹18,000 and furniture valued at ₹21,000 and furniture valued at ₹21,000. There were there were 150 lakh members. 150 life members on that date. On that date, each of whom had paid subscription of rupees 200 subscription due on December 31st, 2020 were rupees 6,800 and rupees 4,000 respectively. Similarly, interest on investment Similarly, interest on investment due at the beginning of the year was ₹1,600 and
एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज टू थाउजेंड स्टूडेंट ये आपका ये क्वेश्चन नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ तो ध्यान से देखेंगे, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो लिख ये राइटिंग में मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पार्ट 47 है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बॉयज क्लब ग्रीन पार्क प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट डेबिट क्रेडिट रिसीट सर्टिफिकेट टू कैश इन हैंड ऑन 1/1/2020 9,800 टू सब्सक्रिप्शन 1,04,200 इंक्लूड ₹1,600 फॉर 2021 का आपने कितना रिसीव किया 1,600 डोनेशन 12,000 है प्रोसेस फ्रॉम चैरिटी शो 32,400 सेल ऑफ फर्नीचर 3,200 बुक वैल्यू 8,000 है बुक वैल्यू कितनी है 8,000 है लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,600 है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 ये बोल रहा है आप आ जाइए पेमेंट साइड में बाई सैलरीज 40,200 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 17,200 बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,440 बाय रेंट 33,200 बाय रिपेयर्स 900 बाय बिल्डिंग परचेज 60,000 बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10,000 बाय बैलेंस सीडी 24,260 है अपना कम टू एडजस्टमेंट आप एडजस्टमेंट में आ जाइए ऑन 1/1/2020 द क्लब ऑन बिल्डिंग वैल्यू एट रुपीज 80,000 एंड फर्नीचर वैल्यू एट रुपीज 21,000 देयर वर 150 लाइफ मेंबरशिप मेंबर्स ऑन दैट डेट इवन ऑफ दैट डेट ईच ऑफ होम हैड पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200 फुल स्टॉप सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड 31 दिसंबर 2020 वर ₹600 एंड ₹4,000 रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज 1,600 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹2,000 ये कंप्लीट क्वेश्चन है राइट है अब इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन में पहले क्या करूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा राइट है अब फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा क्योंकि जगह का भी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रहा है भाई ठीक ना तो ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं पहले सॉल्यूशन देखिए राइट है वॉयज करो वॉयज करो ग्रीन पार्क है ग्रीन पार्क इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020
डीआर सीआर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज इनकम अमाउंट रुपीज। पहले सबिशन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कितनी आपका 1,04,000 लेस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लेस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 6,800 है प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,000 लेस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1,600 है। यह हो गया ₹99,800। बाय बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये देखिए इतना 9,600 है लेस लिखा हुआ है बीमी हो दिया कितना मतलब 600 लेस ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग 1,600 प्लस क्लोजिंग इंटरेस्ट क्लोजिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 ठीक है। और यह हो गया 10,000 डोनेशन। देखिए यहां पे जनरल डोनेशन है जनरल डोनेशन बाय बाय डोनेशन ट्वेल्व थाउजेंड है 3,400 है 3,400 बाय प्रोसेस फ्रॉम 3,400 प्रोसेस फ्रॉम 3,000 प्रोसेस फ्रॉम 3,400 32,400 32,400 है। अब यहां पर आइए सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एलईटी दिखा दीजिए सैलरी 40,200 है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है सिर्फ दो में ही एडजस्टमेंट था इसमें
सजेशन में और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में, एक और है वो बाद में भी करते हैं, अभी बताता हूँ कैसे करनी है, वो बैलेंस में जाएगा। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 17,200 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,440 टू रेंट 33,200 टू रिपेयर्स 900 टू रिपेयर्स 900 टू लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर। देखिए 8,000 का आइटम है, आपने 3,200 में बेच दिया तो 4,800 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इसकी टोटल कर लीजिए, इसकी जो टोटल आ गए इसकी टोटल 1,54,200 है, 1,54,200 ये कैसा का टोटल 1,54,200 टोटल है। अब अजय देव सरकार 40,200 है प्लस 17,200 3,440 33,200 900 99,740 है, यहाँ लिखेंगे 2 सरप्लस 1,54,200 माइनस 99,740 54,460 है, 1,54,200 है, ठीक है। ये देखिए ये इनकम एंड एक्सपेंस कौन कौन बन गया बेटा। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सपोज कुछ राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन से साउंड से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो बनाया है बॉयज क्लब ग्रीन पार्क, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सैलरीज में लिखे टू सैलरीज 40,200, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 17,200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,440, टू रेंट 33,200, टू रिपेयर्स 900, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4,800, क्योंकि आपने 8,000 के फर्नीचर को 3,200 बेचा है तो 4,800 का क्या लॉस हो रहा है। अब आइए इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव किया 1,04,200, उसमें तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया 6,800। यदि कुछ भी नहीं बोलता है ये मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर का जितना भी आपको मिलना है तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, मिल गया। यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसलिए ये मान करके कि सारे सारे मिल गया है, हमने क्या किया लेस कर दिया, राइट है। उसके बाद क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो कितनी 4,000 है। फिर आपने क्या किया 2020 में आने वाले साल का 1,600 आपने क्या किया रिसीव किया, तो ये इनकम तो आने वाले साल का है इसलिए इसको क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए। तो इसका जब प्लस माइनस करेंगे तो उसका नेट रिजल्ट जो आएगा वो 99,800 है।
उसी पर इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो कितना 9600, उससे बोले ओपनिंग लास्ट ईयर का जो लेने थे 1600, तो उसको क्या करूँगा लेस करूँगा, ये मान के चलूँगा कि यदि इसमें से क्या हो गया मिल गया, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो मान के चलते कि मिल गया, और इस सबका ऑप्शन कितना 2000 है, इसको प्लस माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 10000, फिर डोनेशन है कितना 12000, और डोनेशन के विषय में कुछ भी नहीं बोला कि किस पर्पज से डोनेशन दिया है, हम इसको नॉमिनल मानेंगे मतलब ये जनरल मानेंगे और इसको जनरल मान करके इनकम में दिखा देंगे, और प्रोसेस फ्रॉम सेफ्टी शो कितना 32400 है, ठीक है। अभी तो ऐसे ओके अब आ जाइए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब देखिए क्या सीन है, क्या सीन है, 9800 क्लोजिंग में 24260 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6800 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 4000, रिसीव एडवांस 600 है, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर देखिए, फर्नीचर आपका ओपनिंग में कितना है 21000 है, और यहां पे 21000 है, फिर आपने क्या किया लेस स्टोर्ड 8000 का क्या किया शोर कर दिया फर्नीचर को, तो कितना रहेगा 13000 बेचने के बाद, उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितनी है 80000 है, 80000 ओपनिंग है, फिर आपने परचेज किया प्लस परचेज
परचेज कितना क्या है इन्वेस्टमेंट, देखिए आपने परचेज किया 10,000 90,000 इन्वेस्टमेंट है। फिर बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग अभी कितनी है 80,000 बिल्डिंग 80,000 है, यहाँ पे 80,000 प्लस ओके। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितना है 1,600 है, और क्लोजिंग में 2,200 है। और लाइफ मेंबरशिप फीस से देखिएगा, यहाँ पे मेंबरशिप फीस देखेंगे, मेंबरशिप फीस यहाँ पे है, मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000 है, यहाँ पे लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना देखिए 18,000 है, 18,000 आपने क्या क्या रिसीव किया, और जो टोटल होता है यहां पर देखिएगा एक्रूड, एक्रूड कितनी है यहां देखिएगा आपका जो टोटल होता है, टोटल 150 मेंबर्स है, 150 मेंबर्स है, और 200 के हिसाब से जो होता है 30,000, ये 30,000 होता है, 200 के हिसाब से 30,000 होता है, पर आपने 18,000 रिसीव किया, एक्रूड कितना गया 12,000, ठीक है। यहाँ पे आप कितना दिखा देंगे 30,000 दिखा देंगे, और यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप एक्रूड, लाइफ मेंबरशिप एक्रूड मेंबरशिप एक्रूड कितना है, ये आपका 12,000 है, इतने पैसे भी और लेने हैं, यहाँ पर टोटल हो गया 1,99,200। Thank you.
ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको बोल देता हूँ, देखिए कैश इन हैंड ओपनिंग में 9,800 है, क्लोजिंग में 24,260 है। सेप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में कितना है 6,800, क्लोजिंग में 4,000। फर्नीचर ओपनिंग में 21,000 है, फिर आपने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर में 8,000 सेल किया, तो सेल करने के बाद कितना बचेगा 13,000, तो 13,000 लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में, राइट है। आप इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया पहले से कितना 30,000, और 3,000 आपने क्या क्या परचेज किया जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो इन्वेस्टमेंट है, तो आपने क्या किया 80,000 पहले से था, 10,000 आपने और परचेज किया, तो टोटल कितना कि 90,000 हो गया, ठीक है। बिल्डिंग कितना है पहले से 80,000 और 60,000 आपने और परचेज किया, तो टोटल कितना क्या 1,40,000। और एक्यूरेट इंटरेस्ट ओपनिंग में 1,600 है और क्लोजिंग में 2,000 है। अब लैब मेंबरशिप का समझ लीजिए, लैब मेंबरशिप आपने जो परचेज किया 1,120 दी क्लब ऑन जी एम क्लब हो गया दी क्लब ऑन बिल्डिंग, ओके आप समझिएगा ये आपका 6,800 है, ये आपका 6,800 लैब मेंबरशिप कितना आपने रिसीव किया 18,000 लैब मेंबरशिप फीस 18,000 है, ओके ध्यान से देखिए आप इन मेंबर आपके पास कितना है 150 है और इस मेंबर हाउ मच पेइंग 200 है, 200 जब करूंगा तो 30,000, तो 30,000 में से सिर्फ आपको 18,000 ही मिला ना भाई, तो आपको 12,000 और लेने हैं। यहाँ पे हमने क्या किया देखिए 12,000 ये 30,000 है, 30,000 आपने 18,000 रिसीव कर लिया, तो 12,000 आपका क्या एक्टूड हो गया, इसको जोड़कर यहाँ पे 30,000 हो गया। ये आपको आना है, ये क्लोजिंग बैलेंस में दिखेगा लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप सिर्फ फीस अक्रूड लिख दीजिए, लाइफ मेंबरशिप फीस अक्रूड, फीस अक्रूड कितना 12,000 है। अब इस टोटल हो गया अपनी बैलेंस का टोटल हो गया 1,99,200, 1,99,200 आपका कैपिटल फंड हो गया, ठीक है। और इस कैपिटल फंड के साथ आप ये जो सरप्लस है इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल आ गया 2,53,660 और ये सेक्शन रिसीव एडवांस 1,600 और लाख मेंबरशिप 30,000 हो गए। इसकी जब टोटल कर देगा तो दोनों साइड क्या जाएगा बैलेंस शीट टैली कर जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस का टोटल है 2,85,260, 2,85,260। ये क्वेश्चन ओवर हो गया बेटा, ओके थैंक यू सर।